हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका उस लाइफ लाइन में। और आज हम बात करने वाले हैं सर्दियों में छुट्टियां बिताने की बेस्ट जगह है। आज हम आपको ठंडी और गर्म दोनों ही जगह बताएंगे जो आपके लिए बेस्ट हो और आप वहां अपनी सर्दियों की छुट्टियां आराम से बिता सकें। नंबर एक, कश्मीर। धरती के सर्वोच्च कश्मीर में खूबसूरत नज़ारों के बीच स्कीइंग स्लेजिंग का आनंद लेने के साथ स्नोमैन बनाने का मज़ा भी आता है। बर्फ से ढकी वादियों में ठिठुरते हुए सैर करने की चाहत रखने वालों के लिए ये जगह सबसे बेस्ट है और सबसे बेस्ट ऑप्शन भी है। नंबर दो, शिमला। हिमालय की गोद में बसा ये टूरिस्ट स्पॉट सर्दियों में बेहद खूबसूरत नजर आता है। बर्फ से ढकी पहाड़ियों और ठंडा मौसम आपके रोमांच को बढ़ा देगा। प्रकृति की खूबसूरत छटा का आनंद लेने के साथ आप यहाँ फिशिंग, ट्रैकिंग और स्कीइंग का लुत्फ भी उठा सकते हैं। नंबर तीन, कुल्लू मनाली। फेमस हनीमून डेस्टिनेशन के रूप में पहचाने जाने वाला कुल्लू मनाली सर्दी पसंद करने वालों के लिए बेहद खूबसूरत जगह है। यहाँ स्नोफॉल को देखकर आप खुशी से उछल पड़ेंगे और चारों तरफ बर्फ की सफेद चादर देखकर आप रोमांचित हो उठेंगे। और यहाँ स्कीइंग, हाइकिंग, पैराग्लाइडिंग और बहुत से एक्साइटिंग स्पोर्ट्स का मजा आप यहाँ पर ले सकते हैं। सो ये भी एक बेस्ट प्लेस है, अगर आप यहाँ पर चाहें तो घूमने जा सकते हैं। नंबर चार, ओली। उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में स्थित यह स्थान असल में एक छोटा रिजॉर्ट है जो अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। अगर आप स्कीइंग का मजा लेना चाहते हैं और दिलकश नज़ारों के साथ साथ बर्फ की मोटी चादर देखना चाहते हैं तो आपको यहां जरूर आना चाहिए। लेकिन अगर आप ट्रैकिंग का शौक रखते हैं तो आपको उत्तराखंड के केदारकांता का ट्रैक का रुख जरूर करना चाहिए। यह टूरिस्ट स्पॉट गढ़वाल क्षेत्र में स्थित है जो पर्यटकों के लिए बहुत ही पसंद आता है। अब सर्दियों का मौसम कई लोगों को नापसंद भी होता है, ऐसे में सर्दी के दिन में ठंड से खुद को बचाव करने के लिए दूसरे स्थानों पर घूमने जाने का प्लान बनाने वालों की संख्या भी कम नहीं होती है। इसलिए आपको ऐसे स्थानों के बारे में जानना चाहिए जहां आप सर्दी के रात पा सकें और छुट्टियों का लुत्फ भी उठा सकें। इसलिए आइए अब आपको ऐसी कुछ जगहों के बारे में बताते हैं। नंबर एक, पांडिचेरी। फ्रेंच कॉलोनी का एक छोटा सा खूबसूरत और शांत शहर पांडिचेरी, जो अपने बीच इमारतों के लिए जाना जाता है। यहाँ घूमने के लिए बहुत से स्थान हैं और यहाँ का फ्रेंच फूड भी काफ़ी फेमस है। सर्दी के दिनों में यहाँ आपको ठंड नहीं लगेगी बल्कि आपको पसंदीदा सुहावना मौसम भी मिलेगा। नंबर दो, कच्छ का रण। प्रकृति का खूबसूरत नज़ारा आप कच्छ के रण में देख सकते हैं। यह स्थान दुनिया के सबसे बड़े नमक के रेगिस्तानों में से एक है। सर्दी के मौसम में यहाँ घूमने आना एक अच्छा विकल्प साबित होगा। नंबर तीन, माथेरान। मुंबई में केवल 2 घंटे की दूरी पर यह टूरिस्ट स्पॉट स्थित है। यहाँ की हवा एकदम शुद्ध और ताजी है और सह्याद्री की पहाड़ियों पर स्थित होने के कारण माथेरान हरे भरे वनों से युक्त खूबसूरत डेस्टिनेशन है। नंबर चार, महाबलीपुरम। यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल महाबलीपुरम शहर अपने ऐतिहासिक मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ 5 रथ और 100 टेम्पल जैसे कई दर्शनीय स्थल हैं और यहाँ सर्दी के मौसम में भी आपको सर्द हवाएं परेशान नहीं करेगी। नंबर पाँच, गोवा। गोवा का नाम ही काफ़ी है एक शानदार हॉलीडे प्लान करने के लिए। इन सर्दियों में गोवा की सैर आपको ठिठुरने नहीं देगी बल्कि रोमांच से भर देगी। यहाँ का मौसम, बीच और लाइफस्टाइल आपको नई ऊर्जा भर देगी। यहाँ आप जेट स्कीइंग, स्पीड बोटिंग, पैरासेलिंग और बनाना बोट राइड जैसे स्पोर्ट्स का भरपूर मजा भी ले सकते हैं और समुन्द्र के किनारे फुर्सत से पल भी गुजार सकते हैं। नंबर छः, राजपूताना यानी राजस्थान। राजस्थान का जैसलमेर अपने आप में ही एक अनोखा राज्य है जहां बहुत से बेहतरीन टूरिस्ट स्पॉट्स हैं। और अगर सर्दी की छुट्टियां बिताने के लिए जैसलमेर का रुख किया जाए तो निश्चित रूप से आपका ये फैसला सही साबित होगा। गोल्डन सिटी के नाम से फेमस इस शहर में आपको थार रेगिस्तान की सुनहरी रेत फैली नजर आएगी। यहाँ आकर आपको ऊँट की सवारी जरूर करनी चाहिए और दूर तक फैले रेगिस्तान के मोहक नज़ारे आपको जरूर पसंद आएंगे। और इसके साथ आप राजस्थान का स्वादिष्ट खाना जैसे दाल बाटी चूरमा का भी आनंद ले सकते हैं और लोक संगीत का भी लुत्फ उठा सकते हैं। इतना ही नहीं, यहाँ आपको जिले, मंदिर, हवेलियाँ और रोमांचित करने वाले किले भी दिखने का अवसर मिल जाएगा। सो राजस्थान भी एक बेस्ट ऑप्शन है आपकी सर्दियों की छुट्टी बिताने के लिए। सो आप अपनी फैमिली के साथ राजपूताना घूमने जा सकते हैं। नंबर सात, कोणार्क। सर्दी के मौसम में आप उड़ीसा के कोणार्क मंदिर की उत्कृष्टता को देखने का प्लान भी बना सकते हैं। इस सूर्य का मंदिर भगवान सूर्य के रथ का माना जाता है। यह मंदिर भारत की अनूठी संरचनाओं में से एक है। इस स्थान की सैर के दौरान आपको सर्दी का एहसास भी नहीं होगा, इसलिए आप सर्दी में यहाँ घूमने आ सकते हैं। इसके अलावा यहाँ आपको पुरातात्विक संग्रहालय जैसे कई दर्शनीय स्थल भी मिल जाएंगे। नंबर आठ, वर्कला।
तिरुवनंतपुरम में स्थित वर्कला का खूबसूरत तटीय शहर है। यह शहर केरल का एकमात्र ऐसा पर्वतीय क्षेत्र है जो समुद्र के नजदीक है, इसलिए समुद्र और पर्वत का आनंद लेने के इच्छुक पर्यटक देश विदेश से यहाँ आते हैं। यहाँ का मौसम भी आपको सर्दी के मौसम में ही मिला जुला एहसास कराएगा। नंबर 9, गोकर्णा। अगर आप सर्दी की छुट्टियां किसी शांत तटीय शहर में बिताना चाहते हैं तो गोकर्णा एक बेहतरीन ऑप्शन है। कर्नाटक में स्थित गोकर्णा देश के प्रसिद्ध तटीय क्षेत्रों में से एक है और यहां आप शांत माहौल में समुद्र के किनारे बैठ सकते हैं। यहां घूमने के लिए बहुत से बीच हैं जहां आप सर्दियों की कुछ खूबसूरत दिन बिता सकते हैं। अब आप जान गए हैं कि सर्दी के मौसम में आपके पास घूमने के कौन कौन से विकल्प हैं मौजूद है। फिर चाहे आपको बर्फीली वादियों देखनी हो या फिर सर्द हवाओं से दूर समुद्र के किनारे बैठना हो। उम्मीद है सर्दियों में घूमने की जगह की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी और आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। और अगर दोस्तों आपको ये वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो, और नहीं करना तो आपकी मर्जी, बट अगर आप कर दोगे मेरे को सपोर्ट मिलेगा। सो गाइस कर दो ना यार, लाइक तो कर ही दो, शेयर ना करो तो लाइक तो कर दो। मेरे को पता है सर्दियों में सबको ठंड लग रही है इसलिए सबकी आलस है, लाइक तो कर ही दो। और कोई है तो भाई जिसको ठंड नहीं लग रही है, कोई सेंसिल मेहनती इंसान है तो भाई वो शेयर भी कर ही दो प्लीज़ यार। भाई का चैनल है, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड भाई सपोर्ट करते रहो और करो भाई, न्यू चैनल है। ओके भाई, टाटा भाई, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।